नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने आज प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के तहत पत्रकारों से बातचीत करी, जहां उन्होंने अपने विचार रख पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पत्रकारों ने आम जन और पुलिस के व्यवहार को लेकर सवाल किए। इस पर डीजीपी ने कहा कि पुलिस द्वारा आम जनता से दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो पूरी निष्ठा के साथ कार्रवाई की जाती है। वहीं डीजीपी कार्यालय में उनके द्वारा की जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं को भी सामने रखा, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। अन्य सवाल करते हुए पत्रकार ने कहा कि किसी भी जगह अपराध की घटना पर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचकर घटना होने का इंतजार करती है, जिस पर डीजीपी ने साफ इस बात को नकार कर कहा कि अगर कहीं भी सूचना मिलती है तो पुलिस समय पर वहां पहुंचने का काम करती है। नशे को लेकर भी डीजीपी ने कहा कि स्कूल कॉलेज में बिकने वाले ड्रग्स की रोकथाम को कई विभाग साथ हैं, ऐसे में ड्रग्स के खिलाफ अभियान को और प्रभावशाली बनाया जाएगा। ऐसे ही कई सवालों के जवाब डीजीपी अशोक कुमार ने पत्रकारों के सामने रख कार्यक्रम का अंत किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस मुख्यालय आए थे, उनको हमने बताया कि पुलिस क्या कर रही है, क्या उसके भविष्य में की योजनाएं हैं, क्या हमें सरकार से क्या सपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे अपनी सहमति दी है। स्पेशली हमारी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, हाईवे पेट्रोल और सिटी पेट्रोल के लिए 100 गाड़ियां पे हमने कहा था, तो उस पर भी उन्होंने अपनी सहमति दी है। और पुलिस मुख्यालय का नया भवन बनेगा, इस पर अपनी सहमति दी है। गैरसैन में एक नई पहाड़ पे आज तक कोई बटालियन नहीं थी, ना PAC की ना IRB की, तो एक बटालियन खोली जाएगी, इस पर उन्होंने अपनी सहमति दी है। बाकी और हमारी कॉन्फ्रेंस उसके बाद भी एक दिन और आगे चली, तो उसमें भी हमने कई निर्णय लिए हैं। एक बड़ा निर्णय ये लिया है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है लाइसेंस के लिए, नौकरी के लिए, पासपोर्ट के लिए, तो उसमें हम सोशल मीडिया का भी उसका वो देख सकते हैं, अगर कोई आदमी उसमें राष्ट्र विरोधी बातें कर रहा है तो फिर ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन पे हमें मतलब का रोका जा सकता है। इसने लागू किया तो वो पहले ऊपर के 9 जिलों में किया था, उसके 2 कारण थे। एक तो ये था कि अगर ये प्रयोग सफल नहीं होता है तो ऊपर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पुलिस की क्रूशियल इशूज कम है। अगर नीचे हम करते अचानक से वो होता तो हमें पुलिस में दिक्कत आ सकती थी, तो एक्सपेरिमेंट वहाँ हमारा सफल हुआ तो अब इसको नीचे भी लागू कर लेंगे। दूसरा कारण ये था कि अभी कुंभ के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कुंभ में गई हुई है, तो एक साथ से डबल लोड हमारा थाना नहीं ले पाएगा। तो कुंभ खत्म हो रहा है, 27 अप्रैल को आखिरी स्नान है, तो इसलिए 1 मई से हम इसको पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे। उसका ड्यूटी रजिस्टर में नहीं लिखा होगा, लिखा रहता है ना रोस्टर से, ये संतरी होगा, ये जो है इसकी ये पिकेट होगी, ये यहाँ पेट्रोलिंग करेगा, ठीक है। तो एक दिन हफ्ता उसका खाली कर दिया जाएगा, फिर भी कोई उसकी इमरजेंसी ड्यूटी आती तो उसे करनी है, कोई एक्सीडेंट हो गया अचानक, डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाना है, कुछ और लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम है तो करेगा, बट रूटीन वाले जो उसके काम हैं वो उसे नहीं करने हैं। थैंक यू सर। मैं सभी SPs को कि हर थाने पे एक बारी जो है 3 महीने में एक बार जरूर पब्लिक से संवाद हो, चाहे वो SP खुद करें या CO करें, एडिशनल SP करें या DIG रेंज करें, तो 3 महीने में एक बार पब्लिक संवाद किया जाए।